नमस्कार। शक्तिशाली शत्रु यानी दुश्मन और कमजोर मित्र दोनों ही हमेशा दुख देते हैं, तो ना ही अपने से ज्यादा शक्तिशाली से दोस्ती करनी चाहिए और ना ही कमजोर से दोस्ती करनी चाहिए। जैसे आप हैं वैसे ही लोगों के साथ में रहेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। तो शक्तिशाली शत्रु और कमजोर मित्र दोनों से ही सतर्क रहना चाहिए। यही दो लोग हैं जो आपको डुबो सकते हैं आपकी जिंदगी में। सुखी और सफल होना है तो हमेशा सच बोलें और सबका सम्मान करें और सोच समझकर पैसे का खर्चा करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ये तीन बातें अगर आपने मान ली तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि आदमी परेशान कब होता है? जब वो झूठ बोलता है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोलता है और फंसता चला जाता है। सोच समझकर जो लोग खर्चा नहीं करते वो कर्जों में डूब जाते हैं, और जिनके दिमाग में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं वो कभी सकारात्मक या पॉजिटिव चीज सोच नहीं पाते। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको चैन की नींद आएगी, और जिसको चैन की नींद आती है वो इस दुनिया में बहुत ही सफल और सुखी इंसान है। चैन की नींद पाने के लिए आपको अपने 9 ग्रहों को भी मजबूत करना पड़ेगा। 9 ग्रह कौन कौन से? जैसे सूर्य है, सूर्य तरक्की है। अगर सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर हुआ तो आपकी नौकरी, व्यापार, हर जगह पढ़ाई लिखाई में तरक्की ही नहीं होगी। गुरु धर्म है और सफलता है, तो आपको हर एक काम में सफलता ही नहीं मिलेगी, हर एक चीज में डिले होता जाएगा या कुछ ना कुछ मुसीबत आती जाएंगी और आप धर्म के विरुद्ध चले जाएंगे, यानी ईश्वर का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। चंद्रमा दिमाग है और पैसा भी है, तो अगर चंद्रमा खराब होंगे तो हमेशा टेंशन बनी रहेगी, कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, दिमाग खराब रहेगा, और जिसका दिमाग खराब है वो कभी भी सही काम नहीं कर सकता। शुक्र लग्जरी है, जिसका शुक्र खराब होगा उसके जीवन में पैसा तो आ जाएगा लेकिन पैसा टिकेगा नहीं, या फिर पैसा आ जाएगा वो पैसे का उपयोग नहीं कर पाएगा, तिजोरी में रखा रखा पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, लेकिन आदमी खर्च नहीं कर पाएगा, तो ऐसा पैसा भी किसी काम का नहीं। मंगल पराक्रम है, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हुए तो आपके अंदर ताकत ही नहीं होगी, आप आलसी हो जाएंगे, जो आलसी है वो कुछ नहीं कर सकता इस जीवन में। बुध ज्ञान है, बुद्धि है, वाणी है, जिसका बुध ग्रह खराब हुआ उसके पास ना तो ज्ञान होगा ना तर्क वितर्क करने की क्षमता होगी, वो इंसान के पास बुद्धि ही नहीं होगी, और जिसके पास बुद्धि नहीं होती वो पागल कहलाता है। शनि कर्म है, जिसका शनि खराब है उसको बुरे कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, चोर डकैत बन जाएगा, चोरी करेगा, उसको सजा मिलेगी, और जिसका शनि अच्छा है वो व्यक्ति अच्छी नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, खूब पैसा कमाएगा। राहु और केतु जो है वो द्वंद है, यानी कि कन्फ्यूजन है, जिसका राहु खराब जिसका केतु खराब उसके जीवन में कभी भी कोई चीज क्रिस्टल क्लियर होगी नहीं, वो कहेगा कभी ये करूं कभी कहेगा वो करूं, यानी हमेशा दो नावों पे वो व्यक्ति सवार रहेगा। तो ये 9 ग्रह जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो 9 ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए, और जब आप जन्म कुंडली की जांच करा लेंगे, हम इन 9 ग्रहों को मजबूत कर देंगे, तब आपके जीवन में सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। तो आइए अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, क्योंकि यही एक रास्ता है सफलता पाने का। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशि फल की, कि फरवरी का पहला सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फरवरी के पहले सप्ताह की। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। शुभारंभ करने से पहले ये सही वक्त है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को शेयर और लाइक करने का, क्योंकि यही वो शुभ समय है जहां से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो अभी करें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। वीडियो में एक उपाय भी बताऊंगा जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब बिना देर किए बात करते हैं आपकी राशि की। तो आपके लिए राहु लग्न में बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं शनि, और दसवीं जहाँ पर 10 नंबर लिखा है तृतीय भाव वहाँ पर सूर्य है, बुध शुक्र और मंगल चतुर्थ भाव में, चंद्रमा और केतु जो है सप्तम भाव में, और गुरु 12वें घर में। तो ये है ग्रहों की व्यवस्था। मास आरंभ हो रहा है, 1 तारीख से फरवरी शुरू हो रहा है, तो कष्टप्रद समय रहेगा। 1-2-3 तारीख को स्वास्थ्य में कमजोरी हो सकती है, सेहत खराब हो सकती है। कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने बजट को शुरू देख ले, ऐसा ना हो कि काम शुरू कर दें और पैसे ना हो, पैसे कम हो जाएं। मेहमानों का आगमन रहेगा, किसी को भी कोई वादा करने से पहले, खासकर पैसों से संबंधित वादा, अपनी जेब को टटोल लें। आप अपने मेहमानों से जुड़ेंगे, उनकी आवभगत करेंगे, दिखावे की ओर झुकाव अधिक रहेगा, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे शोबाजी में, दिखाने में, और
बाद में फिर आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। 4 और 5 तारीख को समय अच्छा आ जाएगा, काम करेंगे जिससे आपको धन की संतुष्टि प्राप्त होगी, आप खुद अपने आप में सुधार करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। यानी आप किसी के कहने पर नहीं सुधरेंगे, आपको खुद ही सुधरना होगा, अपने खान पान को सुधारना होगा, अपने स्वास्थ्य को सुधारना होगा, सजने संवरने की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होगा, वहाँ पर ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। इसके अलावा उल्टा सीधा भोजन ना खाएं, खूब दोस्तों यारों के साथ पार्टियाँ ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महंगी महंगी चीज़ें खरीदने का ध्यान रखें, नहीं तो पैसे खर्च हो जाएंगे और इतने ज़्यादा खर्च हो जाएंगे कि फिर पछताएंगे। आप अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए आपको नए मौके मिलेंगे। आप प्रेम संबंध में हैं, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आपको नए मौके मिलेंगे, अपने रिश्ते को सही करने के लिए, वैवाहिक जीवन को सही करने के लिए भी मौके मिलेंगे। 6 और 7 तारीख को सम्मान सूचक समय रहेगा, व्यस्तता अधिक रहेगी, इस कारण आप निश्चित रूप से थोड़े से भावुक भी रहेंगे, परेशान भी रहेंगे। इस सप्ताह में मौज मस्ती के लिए समय नहीं मिलेगा, परंतु आप अपने कार्यों में आनंद प्राप्त करेंगे, कठिन परिश्रम से हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह में आपकी भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने पर आपको ध्यान देना होगा। आप अपनी भावनाओं को समझें और अपनी भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त करना है दूसरे के प्रति, उसको व्यक्त करने का तरीका पर भी ध्यान देना होगा। वही सरल तरीका इस्तेमाल करें जिससे आपकी बात सामने वाला समझ जाए। आप महत्वाकांक्षी होंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको निर्धारित समय में ही प्रयास करने चाहिए। यानी जो समय मिला है उसी समय में आपको काम करना चाहिए, तभी आपके काम की वैल्यू होगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने काम को प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों यारों के साथ जुड़ सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। नए नागरिक अनुभवों को, नए सामाजिक अनुभवों को आप खुले दिल से अपनाएंगे। सामाजिक संबंध क्या है? यारी दोस्ती, नई दोस्ती, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आएगा। इस सप्ताह में कुछ नए लोगों से मिलेंगे जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, उनसे भी आपकी बातचीत मुलाकात होगी। अपनी नौकरी जहाँ पर आप करते हैं वहाँ पर आराम कम, काम ज़्यादा करें, नहीं तो दिक्कत आएगी। और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो भी पढ़ाई करें, मौज मस्ती कम करें, गुरु या टीचर की सलाह से आगे बढ़ें। खुद की मेहनत करने के लिए आपको सक्रिय रूप से तैयार रहना होगा, दिमागी रूप से तैयार रहना होगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक तो लिए हुए है। इस सप्ताह में आपकी की गई कोई पुरानी कड़ी मेहनत का फल मिल सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने से थोड़ी सी खुशी हो सकती है और इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करते हुए नजर आएंगे। आपके कामों की प्रशंसा होगी। सप्ताह के प्रारंभ में आप अपने करियर कारोबार को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस दौरान अपने व्यवसाय की सफलता के लिए भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और वो फैसला सफलता की ओर जाएगा। कारोबार का विस्तार करने की योजना आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पिता से विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी और आपके पिताजी आपकी मदद कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कारोबार के विस्तार के लिए योजना साकार होती हुई नजर आ रही है। कोई कारोबार आप खोलना चाहते हैं उसके लिए जो आपने प्लानिंग्स की हैं वो प्लानिंग सफल हो जाएंगी। इसके लिए आपको अपने पिता से विशेष सहयोग मिलेगा। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें पिता का सहयोग होगा। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में युवाओं का अधिकांश जो समय है मौज मस्ती करते हुए ही बीतने वाला है। इस दौरान आप अचानक से पिकनिक जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, कहीं पे मौसम का आनंद ले सकते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए लव लाइफ के बेहतर होना इस सप्ताह की गारंटी है। आप अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी में वक्त बिताएंगे, लव पार्टनर के साथ चली आ रही समस्याएं दूर हो जाएंगी। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। घर परिवार प्रेम में प्यार बना रहे, सब तकलीफें दूर होती रहे। तो कुल मिलाकर आपके लिए एक अच्छा समय है जब भगवान विष्णु की आप उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। 70% शुभ परिणाम है, 7 नंबर लकी है, तो एंजॉय करें। और आप जानते हैं कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अमीरी की सीढ़ी चढ़ सकता है, उसको क्या चाहिए जिससे वो अमीर बन जाए। तो आप सुनिए 2 मिनट की वीडियो और जानिए आप कैसे अमीर बन सकते हैं। आप परेशान हैं, किस बात से परेशान हैं? नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है,
कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं या लगी रहती हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहे, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य है और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे। अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।